हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बात करेंगे इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, जिसमें डिस्कस करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, नेचर, रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लिमिटेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस और एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं टॉपिक की। एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसे आपको पता ही लग रहा है, दो वर्ड से मिलकर बना है, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी। कि जब हम साइकोलॉजी का यूज एजुकेशनल फील्ड में करते हैं, उसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एजुकेशन का मतलब समझ लेंगे। एजुकेशन वर्ड तीन वर्ड से डिराइव हुआ है, एडुकेयर, एडुसियो एंड एडुकेटम। एडुकेयर का मतलब है टू ब्रिंग अप और टू नरिश। जब हम बच्चे को नरिशमेंट स्टार्ट करते हैं, मतलब एजुकेशन देना शुरू करते हैं, कि स्टार्टिंग में जो नॉलेज दी जाती है उसको बोला जाता है यहाँ पे। फिर आता है एडुसियर, टू लर्न और टू ड्रॉ आउट। बच्चा क्या है, चीजें सीखना शुरू कर देता है। पहले आपने नरिशमेंट दी, अब उसने चीजें सीखना शुरू कर दी, इंफॉर्मेटिव चीजें उसमें से निकाल सकता है, मतलब चीजों को बेहतर तरीके से समझना शुरू कर देगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एडुकेटम, मतलब ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अब चीजें सीख तो ली है, अब उसकी थोड़ी ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, ताकि और बेहतर तरीके से सीख पाए, बेहतर तरीके से समझ पाए। तो इस तरीके से एजुकेशन इन तीन पॉइंट्स पे बेस्ड है, एडुकेयर, एडुसियर एंड एडुकेटम। फिर हम बात करते हैं अगली टर्म साइकोलॉजी की। अब साइकोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, साइकी प्लस लॉगस, जिसको हम कहते हैं पहले इस। फिर कुछ लोगों ने इस पे एतराज जताया, हालांकि ये काफी लंबी स्टोरी है, मैं बहुत ही शॉर्ट में लूंगी, कि इसको स्टडी ऑफ सोल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सोल इज समथिंग विच इज नॉट विजिबल, तो उस पर एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि चलो इसको साइंस ऑफ माइंड बोला गया। फिर कुछ लोगों ने इस पर भी एतराज जताया। फिर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोला गया, इस पर भी थोड़े क्रिटिक्स हुए। फिर उसके बाद फाइनली इसे साइंस ऑफ बिहेवियर बोला गया। अब बिहेवियर क्या होता है, कोई भी काम जो हम करते हैं, एनीथिंग दैट लिविंग बीइंग डू, कोई भी काम जो कर रहे हैं वो बिहेवियर है, क्योंकि उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और इजीली उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, तो इसे साइंस ऑफ बिहेवियर मान लिया गया। तो आज के टाइम में साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर, जिसमें हमारे मेंटली एंड बॉडीली एस्पेक्ट्स दोनों आते हैं। तो बिहेवियर की हम बात करें तो बिहेवियर को फर्दर हम समझ सकते हैं मोटर बिहेवियर, नॉलेज बिहेवियर एंड इमोशनल बिहेवियर। मोटर में हम बात करते हैं मोटर स्किल्स की, जहाँ पे हम अपने मोटर्स का इस्तेमाल करें, जैसे हाथों का इस्तेमाल करें या पैरों का इस्तेमाल करें, मतलब कुछ वर्क कर रहे हैं उसमें, जैसे हमारा आता है एग्जाम्पल वर्किंग, प्लेइंग, डिगिंग, बिल्डिंग। नॉलेज में मतलब जहाँ हम अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, परसीविंग, इमेजिनिंग, रिमेम्बरिंग, थिंकिंग, रीजनिंग। इमोशंस मतलब जहाँ हमारे इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ हमारे इमोशंस यूज हो रहे हैं, जैसे सोरो, जॉय, एंगर, फ्राइटनेस। तो इसी बिहेवियर के बेसिस पे एजुकेशनल साइकोलॉजी बच्चे को बेहतर तरीके से समझने में टीचर की मदद करती है और एजुकेशनल प्रोसेस को अच्छा बनाती है। फिर यहाँ पे तो डेफिनेशंस देख लेंगे, जो कि बहुत इजी सी हैं। एक तो स्किनर ने दी है, स्किनर कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, जो टीचिंग एंड लर्निंग से डील करती है, क्योंकि टीचिंग एंड लर्निंग की सारी प्रोसेस जो है हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बेसिस पर ही बनाते हैं, ताकि बच्चे को चीज़ अच्छे से समझ आए, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक, उसके मेंटल लेवल के मुताबिक, उसके एज लेवल के मुताबिक। क्रो एंड क्रो कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, कि क्या उसका लर्निंग एक्सपीरियंस है, कैसे उसने चीजें सीखी हैं, कितने बेहतर तरीके से सीखी हैं बर्थ से लेके ओल्ड एज तक, मतलब जितने भी एजुकेशन का प्रोसेस है वो सारा एजुकेशनल साइकोलॉजी में आता है। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो है कि हम लर्नर को समझ पाएं। अगर आपने लर्नर को समझ लिया है ना, तो फिर आपकी सारी चीज़ें बेहतर तरीके से हो जाएंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से मैं क्या मेथड लगाऊं, कि जिससे इन्हें चीज़ें अच्छे से समझ आए। टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रोसेस, वही बात आ गई कि क्या इफेक्टिव मेथड, क्या स्ट्रैटेजी यूज की जाए, क्या टेक्निक यूज की जाए, ताकि बच्चों को चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। बिकॉज बेसिक एम तो एजुकेशन का यही है ना, कि जो आप सिखाना चाह रहे हो बच्चे को चीज़ समझ में आ जाए, वो उस चीज़ को यूज कर पाए। टीचर को पता चलता है एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से कि किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ाए, जिससे उन्हें अच्छे से चीज़ समझ में आ जाए, रिटेंशन हो। टीचर उनके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, डेवलपमेंटल स्टेज और मेंटल लेवल के हिसाब से क्या है लर्निंग सिचुएशन सेट कर सकते हैं, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव बना सकते हैं।
टीचर को मदद मिलती है कि कैसे एजुकेशन को प्लान करें, क्या करिकुलम होगा, कैसे अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करें, किस तरीके से बच्चों को वो इवेल्युएट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कि क्या इसका नेचर है, कैसे ये काम करती है। सबसे पहले तो है एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, बिहेवियरल साइंस है। बिहेवियरल साइंस क्यों है, क्योंकि हम इसमें बिहेवियर पढ़ते हैं लर्नर का और लर्निंग प्रोसेस का कि किस लर्निंग सिचुएशन में कैसा मेथड लगाएं जिससे क्या है चीज़ें अच्छी हों। नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव साइंस। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, पॉजिटिव साइंस है, मतलब इसके कुछ कंक्लूजन है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मेयरली फिलॉसफी पे बेस हैं, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। नॉर्मेटिव साइंस होता है जो कि सिर्फ फिलॉसफी पे बेस हो, कोई कंक्लूजन ना हो जिसमें। अप्लाइड साइंस है ये, क्योंकि जो भी हम इसके एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन जो होती है उसे हम एजुकेशनल फील्ड में अप्लाई करते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही हम एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। प्रैक्टिकल साइंस है, क्योंकि टीचर क्या है कदम कदम पर एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज को यूज कर रहा है, उसे प्रैक्टिस में ला रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल साइंस है ये, क्योंकि इसमें क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड जैसे साइंटिफिक मेथड यूज हो रहे हैं, बच्चे का बिहेवियर कैसा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि क्या है बच्चे को टेस्ट करने के लिए किस तरीके से बच्चे की नॉलेज को कैसे उसके मेंटल लेवल को अच्छे से समझा जा सकता है उसके बारे में हमें बताती है ये। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके अलग अलग तरीके से हम क्या बच्चों को जान के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं, इसीलिए इसे एक्सपेरिमेंटल साइंस बोला गया है। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशनल साइंस, क्योंकि ये एजुकेशन की साइंस है। पील ने भी कहा था एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हम इसमें क्या है लर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं, लर्नर के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं, किस एजुकेशनल सिचुएशन में चीज़ों को बच्चों को बेहतर तरीके से रिटेन करवाया जा सकता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसे एजुकेशनल साइंस बोला जाता है। सोशल साइंस है ये, नेचर इसका क्या है कि सोशल साइंस भी है। सोशल साइंस इस तरीके से है क्योंकि जो भी इसके रिजल्ट्स, जो भी इसके ऑब्जर्वेशंस निकल रहे हैं वो हम सब पे अप्लाई कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी पे अप्लाई कर रहे हैं, सारे बच्चों पे अप्लाई कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर लर्निंग सिचुएशंस पे। इसीलिए हम मान सकते हैं कि इसके क्या है कुछ सोशल इम्प्लीकेशन। इसे एकेडमिक डिसिप्लिन भी बोलते हैं हम। एकेडमिक डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि इससे क्या है हमें एकेडमिक चीज़ों के बारे में पता चलता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चलता है, क्या प्रिंसिपल्स यूज करने चाहिए, क्या मेथड्स अपनाने चाहिए, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमें पता चलते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है कि कैसे उसको अच्छे से समझाया जा सकता है। साइंटिफिक अप्रोच है एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से काम करती है, एक प्रॉपर मेथड होता है, फैक्ट्स पे बेस पे हम काम करते हैं, यूनिवर्सैलिटी होती है, इसके जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, इसके जो रिजल्ट होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, वैलिड होते हैं, हम उन पे रिलाई कर सकते हैं। ये प्रिडिक्ट करने में मदद करती है कि लर्नर का बिहेवियर कैसा होगा, किस तरीके से डेवलपमेंट होगी लर्नर की। डेवलपिंग साइंस भी बोला जा सकता है इसे। डेवलपिंग साइंस इसलिए क्योंकि लगातार क्या है इसमें कुछ ना कुछ रिसर्च चले जा रही है, लगातार इसमें नई नई चीजें निकल के सामने आ रही है, डेवलप कर रही है अभी भी। स्पेसिफिक साइंस भी बोला जाता है इसे, क्योंकि ये स्पेसिफिकली क्या है एजुकेशनल फील्ड में ही काम कर रही है, टीचिंग एंड लर्निंग की फील्ड में ही काम कर रही है। इसके रिजल्ट, इसके ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिकली हम टीचिंग एंड लर्निंग फील्ड में यूज करते हैं एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। इन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है कि किस ये सारी चीज़ें जान के, हम बच्चे के बिहेवियर के बारे में जान के, प्रैक्टिकल्स का इस्तेमाल करके, सोशल साइंस ये सारी चीज़ों से हम जान सके कि बच्चा किस तरीके से नॉलेज को आसानी से ले पाएगा और रिटेंशन रहेगी, मतलब चीज़ों को भूलेगा नहीं। क्योंकि अगर आपने नॉलेज उसे दे दिया लेकिन थोड़े टाइम बाद वो भूल जाता है तो वो किसी काम की नहीं है। तो इस तरीके से पढ़ाया जाए, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाया जाए, ताकि जो चीज़ें वो याद करे वो दिल और दिमाग दोनों से याद करे, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कुछ रट्टा मारे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर को बच्चे का माइंड पढ़ना आए, तो उसी में ये मदद करती है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या रोल है इसका। सबसे पहले तो है नॉलेज ऑफ इनेट नेचर, बच्चे के इनेट नेचर मतलब क्या वो दिमाग में सोच रहा है ये जानने में टीचर को मदद मिलती है, उसका क्या नेचर है, बच्चे की क्या नेचुरल अर्जेस है, क्या इंस्टिंक्ट्स हैं, क्या पोटेंशियलिटीज हैं, तो उससे क्या है टीचर को पता चलेगा। अब ये सारी चीज़ें क्या प्राइम मूवर्स होती हैं बच्चे के बिहेवियर के लिए, कि जैसे उसकी इनेट क्वालिटीज होंगी, इनेट नेचर होगा, उसी हिसाब से वो बिहेव करेगा। तो अगर टीचर को इसके बारे में नॉलेज मिल जाती है तो वो लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही आसान बना सकते हैं और बच्चे को आसानी से समझ सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी उन्हें इस चीज की नॉलेज देती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इससे क्या है कि पता चलता है कि कोई भी दो
इंडिविजुअल्स अलाइक नहीं होते, हर किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, एज के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, या फिर इंटरेस्ट के हिसाब से, एटीट्यूड के हिसाब से, मोटिव के हिसाब से। कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, तो टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है, तो वो सारे बच्चों को एक ही तराजू पे रख के नहीं तोलता है, वो समझ जाता है कि सब बच्चे की अपनी अपनी एबिलिटीज है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। तो अगर टीचर इस चीज़ का यूज़ करता है तो वो लर्निंग एनवायरनमेंट को प्लीजिंग बना सकते हैं सबके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज ऑफ बिहेवियर। अब अगर टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता है तो उसे बच्चों के बिहेवियर के बारे में भी जानना आ जाएगा कि हर डिफरेंट स्टेज पे बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा, कैसे बिहेवियर मतलब उसके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चीज़ों पे डिपेंड करता है, कैसे वो चीज़ों को सोचता है, कैसे उसके इमोशंस हैं, क्या उसका मोटिव है। अगर टीचर को उसके बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है तो वो टीचर क्या है, लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज ऑफ लर्निंग। अगर टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता है तो उन्हें पता होगा कि कहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है, क्या लर्निंग लॉज है, क्या फैक्टर्स है लर्निंग के, किस तरीके से बच्चे बेहतर समझ पाएंगे, कैसे उनकी अटेंशन ग्राब करनी है, कैसे उन्हें मोटिवेट करना है ताकि लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल बन सके। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से टीचर को बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड के बारे में भी पता होता है। अब अनकॉन्शियस माइंड तो आपको पता है कि जिस जो शायद बच्चे को उतना नहीं पता होता है कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, लेकिन उसके एक्शन से, उसके बिहेवियर से टीचर ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पता लगा सकते हैं। अनकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा रोल निभाता है बच्चे की पर्सनालिटी को शेप करने में, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर की मदद करती है अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने के लिए, जिससे टीचर क्या है, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप करवा सकता है, पर्सनैलिटी में इन्हांसमेंट ला सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज ऑफ मेंटल हाइजीन। अब मेंटल हाइजीन बैकबोन है बैलेंस्ड पर्सनालिटी का, क्योंकि अगर आप दिमागी रूप से ही स्वस्थ नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज है तो वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को कोई टेंशन ना हो, कोई कॉम्प्लेक्सेस ना हो, कोई एंग्जाइटीज या कोई वरी ना हो, क्योंकि तब बच्चा अच्छे से चीज़ें नहीं सीख पाएगा, उसका ध्यान ही नहीं लगेगा। तो वो कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए हमेशा क्या है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाया जा सके। नॉलेज ऑफ गाइडेंस। टीचर को मदद मिलती है ताकि वो बच्चों को गाइड कर सके, उनके इंटरेस्ट, एबिलिटीज, एप्टीट्यूड और अचीवमेंट्स को समझते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड्स। अब टीचर को क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है कि कैसे टीचिंग को बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, एक्टिविटी सेंटर्ड टीचिंग हो, डिस्कशन मेथड लाया जाए, मल्टी सेंसरी अप्रोच हो, माइक्रो टीचिंग हो, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हो, तो हम ये कह सकते हैं कि इसने बहुत अच्छे टीचिंग मेथड्स डेवलप करवाए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि को करिकुलर एक्टिविटीज भी हो, जिससे बच्चे का क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो। इसमें गेम्स आने चाहिए, पिकनिक्स, डांसिंग, कैंप्स, किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी हो। एजुकेशन चाइल्ड सेंटर हो, बच्चे की जरूरतों को समझ के, उसके मोटिव्स क्या है, उसके वैल्यूज क्या है, कैसे सोसाइटी में उसे बेहतर इंसान बनाया जा सकता है, कैसे एक अच्छा सिटीजन तैयार किया जा सकता है, उस हिसाब से एक अच्छा करिकुलम डिजाइन करने में मदद करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। अब ये हमें मदद करती है इवेल्युएट करने में कि क्या जो चीज़ें हमने बच्चों को सिखाई वो सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हैं उनके इंटरेस्ट को जानने के लिए, उनके अचीवमेंट्स को जानने के लिए, उनके एप्टीट्यूड को जानने के लिए, उनके एबिलिटीज को जानने के लिए। ये सिर्फ टीचर को बच्चों को जज करने में ही नहीं बल्कि खुद को जज करने में भी कि एज अ टीचर वो कितने कैपेबल है, कितने कम्पिटेंट है, ये जानने में भी मदद करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कि क्या लिमिटेशन है, क्या थोड़ी कमियां हैं। न्यू एंड कॉम्प्लेक्स साइंस है, नई है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में अभी भी पता ही नहीं है। जो एजुकेशनल फील्ड से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं उन्हें तो इसकी नॉलेज है, लेकिन अगर आप कोई जनरल बंदे से पूछें तो शायद उसे पता ही नहीं होगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होती क्या है। बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस ली जाते हैं इसमें, तो इसीलिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। अब साइकोलॉजिकल फिनोमिना जो है थोड़े कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू फिजिकल साइंस, क्योंकि फिजिकल साइंस में क्या है, जनरल फिनोमिनन होते हैं जो सबको दिख रहे हैं। साइकोलॉजिकल फिनोमिनन में क्या है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, अगर आपको उसकी नॉलेज है तभी आप उन्हें समझ सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इसमें, क्योंकि ये क्या मेमोरी, परसेप्शन, रीजनिंग के सब बच्चों की सेम नहीं हो सकती, बल्कि जो इनके फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन है वो कहीं ना कहीं क्या है, सबके लिए सेम ही दिखाते हैं। लैक्स एग्जैक्टनेस। अब एग्जैक्ट नहीं है, जैसे कि जो हमारे क्या है फिजिकल और नेचुरल साइंसेज है वो एग्जैक्ट हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर सेम नहीं होता। कोई हो सकता है कि कोई इंसान थोड़ा शांत हो, कोई इंसान थोड़ा गुस्से वाला हो,
तो उसके हिसाब से इसके रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन अप्लाइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। अब जो लेबोरेटरी में इन्होंने जो रिजल्ट निकाले हैं उसको हम क्या है रियल लाइफ में भी उतना ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो भी काम करते हैं वो जनरली एनिमल्स में करते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में तो बच्चे हैं ना, तो वो जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया वैसे ही बच्चे भी बिहेव करें। नेक्स्ट है हमारे पास चेंजिंग एनवायरमेंट। अब क्या है कि एजुकेशनल एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कुछ और तरीके से है, अगर आप फॉरेन में जाओगे तो वहां पे कुछ और तरीके से है, तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें हम सबसे पहले लर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे। लर्नर क्या है? पीपल, जो बंदा सीख रहा है, जो नॉलेज ले रहा है। तो इससे हमें उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, उसके फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, इंटेलिजेंस के बारे में पता चलता है, पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है, सोशल एजेंसी जैसे फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, इसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये चीज़ पता चलती है, मेंटल हाइजीन के बारे में पता चलता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट स्कोप है इसका लर्निंग प्रोसेस में। लर्निंग प्रोसेस मतलब जब बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है तो क्या प्रोसेस चल रही है, तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम बेहतर सिखाएं, क्या लॉस, क्या मेथड्स हैं इफेक्टिव लर्निंग के, कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे मोटिवेशन, हैबिट, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, थिंकिंग एंड रीजनिंग, बच्चा किस तरीके से सोचता है। नेक्स्ट है हमारे पास द लर्निंग सिचुएशन, जो कि क्या है क्लासरूम में इफेक्ट करते हैं, जो लर्निंग के दौरान जैसे क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसा है, कैसा डिसिप्लिन है वहाँ पे, क्या टेक्निक्स यूज करी गई है मोटिवेट करने के लिए बच्चों को, क्या एड्स यूज किए गए हैं, कैसा अप्रोच यूज किया गया है, किस तरीके से बच्चों को इवेल्युएट किया गया है, अलग अलग बच्चों को उनके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल के हिसाब से कैसे बेहतर मेथड्स यूज किए गए हैं, कैसे गाइड किया जा रहा है उनको, कैसे काउंसिल किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लर्निंग एक्सपीरियंस, कि टीचर को ये पता चले कि वो क्या चीज़ सिखाएं बच्चों के मेंटल लेवल के हिसाब से, ताकि क्या एक सेटिस्फेक्ट्री नॉलेज हो पाए, टीचर को भी सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मैंने बच्चे को चीज़ ढंग से सिखाई है। और ये तभी हो पाएगा जब वो बच्चों के मेच्योरिटी लेवल के हिसाब से क्या है अपना करिकुलम सेट करें। नेक्स्ट है हमारे पास टीचिंग सिचुएशन की। एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये भी स्कोप है कि ये टीचिंग सिचुएशन को बेहतर बनाती है, क्योंकि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, उसे हम एजुकेशनल प्रैक्टिस में लाते हैं, उसे हम एजुकेशन की फील्ड में यूज़ करते हैं, तो टीचर के लिए भी एक अच्छा एनवायरमेंट सेट हो जाता है, उसे भी पता चल जाता है कि कैसे वो बच्चों को पढ़ाए। नेक्स्ट है हमारे पास इसका स्कोप इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब बच्चों ने क्या चीज़ सीखी है इसे इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये पता चले कि जो मेथड टीचर ने यूज़ किया था वो ठीक था या नहीं था, या उसे कुछ इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो है लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टीचिंग सिचुएशन और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इवेल्युएट करने में बहुत मदद करती है। आई होप अब आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो स्पेशली आइसडोल वाले बच्चों के लिए थी जिनके अभी एग्जाम होने वाले हैं, तो इतने कम टाइम में पूरे सिलेबस को कवर करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर सकें, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या वो टॉपिक हमें पहले डिस्कस करना चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।